भारत माता की, भारत माता की। एक बार जोरदार जयघोष करें, दोनों हाथ उठाकर बोले भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, नितिन गडकरी जी जिंदाबाद। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में हम सबको जिनका सानिध्य मिला है, मैं इस पूरे क्षेत्र, पूरे प्रतापगढ़ जिले की ओर से आदरणीय गडकरी साहब, मैं आप सब से कहूंगा, सब अपने स्थानों पर खड़े होकर आदरणीय भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने अपने स्थान पर खड़े होकर आदरणीय गडकरी साहब का अभिनंदन करें। आज 5600 करोड़ की परियोजना इस क्षेत्र को मिल रही है, ये एक सामान्य बात नहीं है। इस आदिवासी जनजाति जिले में आप पार्टी के पूर्व अध्यक्ष होने के नाते भी और भारत सरकार के परिवहन राजमार्ग मंत्री होने के नाते भी इस क्षेत्र की जनता की ओर से मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की महामंत्री और राजसमंद की लोकप्रिय सांसद माननीय दिया कुमारी जी, ताली बजाओ तो जोर से बजाओ। हमारे बांसवाड़ा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय कनक कटारा जी, पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष चुनीलाल गराशिया जी, प्रदेश के मंत्री भाई पिंकेश जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आदरणीय सुचंद जी भाई साहब, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई गोपाल जी, चित्तौड़ के जिलाध्यक्ष माननीय गौतम जी और बड़ी सादरी के विधायक माननीय ललित जी, गाटोल की विधायक माननीय हरण निमावा जी, हमारे सलमर की विधायक अमृत जी और यहाँ के आप सबके भैया हेमंत भैया जी, हमारे यहाँ के चित्तौड़ के जिला प्रमुख भाई सुरेश जी, हमारे यहाँ के प्रधान भाई रमेश जी, सभी हमारे पूर्व सांसद निमामा जी, हमारे साथी भाई श्रवण सिंह जी, हर्षवर्धन जी, रघु जी, सभी हमारे गजेंद्र जी, प्रदीप जी, क्षमा करना में हमारे कन्हैया जी, महेश जी, सभी नगर के अध्यक्ष भाई रितेश जी और प्रतापगढ़ जिले की मेरी देवतुल्य जनता जनार्दन, चूंकि आज हम सब लोग आदरणीय गडकरी साहब को सुनने के लिए आए हैं और मैं आदरणीय गडकरी साहब आपका हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता हूं कि प्रतापगढ़ में आप हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हैं, लेकिन प्रतापगढ़ में एक छोटी परियोजना थी, लेकिन फिर भी इस जनजाति और छोटे से जिले में हम कार्यकर्ताओं के नाते आपने पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कहा कि मैं उस जनजाति जिले में भी चलूंगा, चाहे छोटी योजना हो बड़ी हो, लेकिन वो जिला ऐसा है जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करने वाला जिला। और ये जिला तो वो है जो जनसंघ के जमाने से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त देने का काम करता आया है, और ये जिला तो वो जिला है, या तो 9 साल में आदरणीय मोदी जी और आपने इस जिले में विकास के काम दिए, या पूर्व में आदरणीय नंदलाल जी मीणा थे जिन्होंने मंत्री पद को ठुकरा दिया और कहा कि मेरे प्रतापगढ़ को जिला बना दो, मुझे मंत्री मत बनाओ। विकास के कई गाथाएं उन्होंने लिखी है। मैं आपके बीच में, मैं आदरणीय पूरे राजस्थान की जनता की ओर से आदरणीय गडकरी साहब, चाहे राजस्थान में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की योजना चल रही हो, चाहे हमारा भारतमाला योजना चल रही हो, चाहे पूरे राजस्थान में जैसा दिया जी और कनक जी ने कहा, जैसे हम लोग साम्राज्य पे मंदिर में जाते हैं
उनके दर पे जो मांगते हैं वो मिल जाता है, तो आदरणीय गडकरी साहब के पास भी जो जाता है वो उन सबको मिल जाता है। आपने जिस प्रकार से राजस्थान में सड़क तंत्र को मजबूती देने का काम किया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 60 साल में जो कोई नहीं कर पाया वो नरेंद्र मोदी जी और आपने राजस्थान को दिया है, वो 9 साल वो 60 साल से बढ़कर है। मैं इस मौके पर चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से धन्यवाद देता हूं कि आपने किशनगढ़ से अहमदाबाद तक 4 लेन से 6 लेन करने का काम किया। आपने नीमच थड़ा वाली रोड केंद्रीय सड़क निधि में आपने स्वीकृत की। आपने गासा पलाना मावली की सड़क दी। आपने किरकी चौकी से अकोला की सड़क दी। आपने केली से कनेरा की सड़क दी। आपने रावतबाटा से कोटा की सड़क दी। आपने रावतबाटा से जनजड़ी की सड़क दी। आपने काटुंदा से रावतबाटा की सड़क दी। आपने होड़ा चौराहे से बड़ी सादड़ी की सड़क दी। आपने मंगलवार से बड़ी सादड़ी की सड़क दी। मैं कहते कहते थक जाऊंगा। और आज जो सड़कें आपने इस लोकसभा में, क्योंकि MDR जो होती है उसी को आप CRF में दे सकते हैं, तो लोकसभा में 2 MDR रोड बची थी, एक फलीचड़ा की सड़क और एक गणोली नांदवेल की सड़क, 2 सड़कें की ओर मैं आपके चरणों में आपसे प्रार्थना करता हूं कि वो 2 सड़कें और हो जाएगी तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र की जनता को फायदा मिलेगा। नाथद्वारा से भटेवर आपने करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया। नाथद्वारा से भटेवर तक आने के लिए वो बहुत बड़ी सड़क हो जाएगी। मैं इतना कहूंगा कि 9 सालों में जैसा भाई पिंकेश जी ने कहा कि राज्य प्रतापगढ़ में केंद्रीय विद्यालय भी खुला है तो नवोदय विद्यालय भी खुला है, या एकलव्य मॉडल स्कूल भी खुले हैं तो स्वामी विवेकानंद मॉडल भी खुले हैं, या पासपोर्ट ऑफिस भी खुला है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में GSS भी बना है, और उस योजना में सैकड़ों गांव ढाणियों में आजादी के बाद पहली बार बिजली पहुंची है। आज इस क्षेत्र में IPDS के माध्यम से शहरी बिजली का तंत्र सुधरा है, तो ग्रामीण में 8 GSS 9 GSS बनाकर यहाँ के क्षेत्र को सौगातें मिली है। आज इस मौके पर मैं एक प्रार्थना आपसे करता हूं, निम्बाड़ से प्रतापगढ़ गाटोल दाहोद एक रोड जाता है, मैं तो खाली यही बोला रोड जाता है, इस रोड पे इस बनने के बाद अभी तक 850 से 900 दुर्घटनाओं में लोगों की जान चली गई। और आपने पहले मंत्री होंगे जिन्होंने कहा सांसदों को कि अपने अपने क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा आपकी कमेटी बनाई और ब्लैक स्पॉट बता करके बताओ, मैं बैठा हूं जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा। आपने ये बात आज हम सब लोगों के जहन में, इसके लिए मैं जनता की ओर से आपका आभार भी प्रकट करता हूं। अगर ये सड़क ये टू लेन से अगर फोर लेन बन जाएगी तो निम्बाड़ा से प्रतापगढ़ और प्रतापगढ़ से गाटोल दाहोद होते हुए गुजरात जाने का एक शॉर्टेस्ट रास्ता भी हो जाएगा। तो दुर्गा अगर ताली बजाओ तो इस छोर से उस छोर तक बजे, उस छोर से उस छोर तक बजे, जोरदार जोरदार ताली बजनी चाहिए। मैं आपसे यह भी प्रार्थना करता हूं कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में आपने दिल्ली से मुंबई जाने का बहुत सुगम रास्ता बना दिया। अगर यहां प्रतापगढ़ से जावरा एक 62 किलोमीटर का मैंने आपसे प्रार्थना की थी, अभी हो भविष्य में हो कभी भी हो, लेकिन मेरी प्रार्थना है वो अगर स्वर योजना में जुड़ जाएगा, स्पर योजना में जुड़ जाएगा तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र को, चाहे व्यवसायिक क्षेत्र में हो चाहे अन्य क्षेत्रों में हो, इस क्षेत्र के विकास में बहुत बड़ा काम करेगा। मैं कोटा से रावतबाटा, एक अणु नगरी है, वहां भी भारतमाला 2 में वो भी अगर रोड जुड़ जाएगा तो निश्चित रूप से वहां की बहुत अच्छी कनेक्टिविटी होगी। चित्तौड़ का दुर्ग एशिया का सबसे बड़ा दुर्ग है, आपने अभी वहां उस दुर्ग के विकास के लिए बहुत पर्वतमाला योजना के माध्यम से अनेक काम देश भर में दिए हैं। चित्तौड़ में भी अगर वो एक रोप वे चल जाएगा पर्वतमाला योजना में तो वहां चूंकि सकड़ी रास्ता है, एक रास्ता ही है, तो देश भर के और मेरे प्रतापगढ़ संसदीय क्षेत्र और चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र के लोगों को आराम से उस ट्रॉली में बैठकर किले पे जाने का सफर आराम हो जाएगा। चित्तौड़ एक औद्योगिक मंडी है, वहां बड़ी सीमेंट इंडस्ट्री भी है, मार्बल इंडस्ट्री भी है, 3 तरफ चित्तौड़ के तो आपने नेशनल हाईवे बना दिया, एक छोटा सा टुकड़ा और बन जाएगा
तो चित्तौड़गढ़ पूरा एक रिंग रोड बन जाएगा। तो हैवी ट्रैफिक जो आपने यहाँ के लिए बाईपास बनाया, वैसे भी वो रिंग रोड बन जाएगा तो हैवी ट्रैफिक शहर से बाहर निकल जाएगा और उस क्षेत्र के लोगों के आवागमन के लिए बहुत बड़ी सुविधा हो जाएगी। मैं इस मौके पर